हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आप लोगों के सामने फिर से एक नई ऊर्जा और नए ज्ञान के साथ इंजेक्शन मोल्डिंग का टॉपिक लेके आए हैं, जो सब जगह आपको मिलेगा। यानी कि सिंपल सा टॉपिक है, कॉमन है, बैरल टेम्परेचर को कैसे सेट करते हैं। आप लोग सब लोगों ने सेट किया होगा, बैरल का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि बैरल का टेम्परेचर क्या होता है और कैसे सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियो जो भी अपलोड करूं पहुंचती रहे और आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैरल टेम्परेचर क्या होता है और उसको कैसे सेट करते हैं। बैरल टेम्परेचर यानी कि जो बैरल है उसके अंदर जो बैंड हीटर्स लगे रहते हैं, जोन वाइज जोन जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है उसे बैरल टेम्परेचर कहते हैं। उसको बढ़ते क्रम में आप किधर से लें, या फीड जोन से लें या नोजल से लें। नोजल से अगर लेते हैं तो वो घटते क्रम से फीड जोन की तरफ जाता है, फीड जोन से लें तो वो बढ़ते क्रम में नोजल की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? फीड जोन से नोजल की तरफ टेम्परेचर को बढ़ा के क्यों रखते हैं और बैरल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको बैरल टेम्परेचर सेट करना होता है। जैसे कि एक जर्नल पीसी मटेरियल मान लीजिए कोई है, उसका बैरल टेम्परेचर आपको कैसे सेट करना है, तो वो आप पीसी मटेरियल की बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग तो आप सेट करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर ने जो मटेरियल हमें दिया है उसमें उसकी टर्म ऑफ कंडीशंस क्या है। सप्लायर ने क्या हमें जो टेम्परेचर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या बैरल के अंदर उसी रेंज में टेम्परेचर हमारा चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, आपको उस पे काम करना होगा। तो हम बात करते हैं बैरल के टेम्परेचर को कैसे सेट करते हैं उस पे। कई बार तो इंजेक्शन मोल्डिंग में जो सेट टेम्परेचर है वो कुछ होता है और एक्चुअल टेम्परेचर कुछ और आ रहा होता है। थर्मोकपल सेंस नहीं कर पाता कि कितना एक्चुअल टेम्परेचर है, जिससे कि बैरल के अंदर मटेरियल जलता है और कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको चेक करना है आपको, थर्मोकपल और बैरल का बैंड हीटर्स जो है वो वर्क अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको चेक करना होगा कि वो विद इन रेंज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जो टेम्परेचर है बैरल का वो कैसे सेट करते हैं। आओ बात करते हैं। ये जो पीसी का टेम्परेचर है ये तो मैंने बेसिक प्रोसेसिंग टेम्परेचर लिया है। आपको क्या करना, सप्लायर से आपको लेना है कि पीसी के लिए कितना टेम्परेचर रहेगा बैरल का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रेड टू ग्रेड टेम्परेचर भी वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि आपने पीपी का मटेरियल लिया और पीपी मटेरियल में कम टेम्परेचर पे चलाएंगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ग्रेड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ग्रेड में जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैरल का टेम्परेचर सेट करना है। तो मैं बात कर रहा था कि इसका टेम्परेचर कम रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से लम्स जम जाता है, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह बढ़ते क्रम में हमें टेम्परेचर सेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ही ज्यादा मेल्ट कर देंगे तो फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ लम्स बनने के चांस रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ का टेम्परेचर कम करना है। और नोजल का टेम्परेचर इसलिए सबसे ज्यादा रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रहता है हीटर, वो हीटर ओपन कंडीशन में रहता है। ओपन कंडीशन इन द सेंस जो नोजल का हीटर रहता है उसके ऊपर कवर नहीं होता है, कवर नहीं होता तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेगा तो नोजल जल्दी ठंडी होती है, नोजल ठंडी होगी तो यहाँ से मटेरियल बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसका टेम्परेचर मैक्सिमम रेंज में रखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। ज्यादा भी रखेंगे तो बर्न हो जाएगा मटेरियल और कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां से लेकर इधर सेंटर का टेम्परेचर भी कम रखते
रखते हैं रियर और सेंटर का, इसलिए कम रखते हैं क्योंकि यहाँ तक मटेरियल ज्यादा देर तक रहेगा। ज्यादा देर तक रहने के बाद क्या होगा, मटेरियल जलने लगेगा, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रखते हैं। एकदम से यहाँ ज्यादा टेम्परेचर रख देंगे तो इधर वाला जो मटेरियल आगे आने में टाइम लगता है, ट्रेवलिंग टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ये मटेरियल जलने लगता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम और फ्रंट तक का लाने में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ताकि इन नोजल का और इन दोनों की शेयरिंग में टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे और फ्लो अच्छे से बने। मटेरियल के अकॉर्डिंग ही हमें टेम्परेचर सेट करना है। और मुझे ये भी ध्यान रखना है जो मैं पार्ट बना रहा हूँ, जो मोल्ड चला रहा हूँ, बैरल कैपेसिटी के अंदर ही तो है। ऐसा नहीं कि बैरल कैपेसिटी हो 300 ग्राम पार्ट बनाने की और आप उस पर 10 ग्राम का पार्ट बना रहे हो। 10 ग्राम का बनाओगे तो जल के राख हो जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए बैरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको मोल्ड को सेट करना है, मोल्ड इस पे लाना है ताकि बैरल के अंदर मटेरियल ज्यादा देर ना रहे, बैरल के अंदर रेसिडेंस टाइम जो है वो कम रहे, कम से कम रहे। क्योंकि हमें जो मिनिमम रेंज में जो मिनिमम बैरल कैपेसिटी यूज करनी होती है वो 30-35% यूज करनी होती है, ना कि आप बिल्कुल कम कैपेसिटी यूज करें ताकि मटेरियल जलता रहे। फिर तो चाहे कोई भी मटेरियल हो, मोल्ड सेट करें अकॉर्डिंग टू मशीन कैपेसिटी।